लेकिन इफ्तखार गिलानी साहब, आपसे एक सवाल है जो इस टॉपिक से हटकर है, लेकिन एक ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर राइट विंग का कब्जा है, कंट्रोल है। तुर्की को हिंदुस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, सीएनएन ने और बीबीसी ने तो बहुत सारी स्टोरीज चलाई है कि जिस तरीके से भारत में जबरदस्ती एक मस्जिद को मंदिर बना दिया, उसी तरीके से तुर्की में अरदोगान ने एक चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया, जो आयासोफिया का मसला है। तो क्या ये दोनों एक ही मसला है या दोनों का अलग अलग है? और दोनों जगह जो इत्तेफाक की बात यह है कि कोर्ट से फैसला आया, वहां भी आया सोफिया को जो म्यूजियम से मस्जिद में चर्च किया, सॉरी म्यूजियम से मस्जिद बनाया गया, वो वहां की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले से, और यहाँ भी जो बाबरी मस्जिद मंदिर में तब्दील हुई है वो भी यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। बिल्कुल, जिस वक्त आया सोफिया का जो फैसला हुआ था तो जाहिर सी बात है तो मुझे भी अंदर से जो है ना बहुत ही ज्यादा मायूसी हो रही थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग, मैं तो एज ए पहले तो सबसे पहले मैं ग्रेजुएशन तक तो मैं कश्मीर में रहा हूँ, एज ए मुस्लिम, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, मतलब मैं परवान चढ़ा हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा पूरा का साफ कैरियर ही दिल्ली में हुआ, लिहाजा जो है एक मुस्लिम अकलियत के हवाले से भी हिसाब से भी जो है मैं जो मेरी जहन साजी हुई है, एटलीस्ट पता है मुझे कि अकलियत में रहना क्या होता है। लिहाजा मुझे जो है ना यहाँ पर उस वक्त बड़ी मायूसी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो जजमेंट पढ़ी, जजमेंट देखी मैंने, ये पहले टर्किश में जजमेंट थी तो उसको काफी टाइम भी लग गया उस जजमेंट को लाने में, फिर उसके बाद उसको पढ़ने में वगैरह में काफी काफी टाइम, कुछ अपने तुर्क दोस्तों को साथ में बिठाना पड़ा, बोलना पड़ा उस जजमेंट में। उसके अलावा और कोई फैसला आ ही नहीं सक रहा था अगर वो बाय, क्योंकि उसने जो वहां पर फरीक थे दो, एक फरीक था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, दूसरा फरीक था वो औकाफ जिसने पिटिशन दायर की थी, उन्होंने कहा दायर की थी, ये दो फरीक थे। और इस दौरान जब से ये मुकदमा चल रहा था जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है उन्होंने कभी भी उसमें फरीक बनने की कोशिश ही नहीं की थी, ना बने थे कभी फरीक हो, ना उन्होंने कभी इवन कभी उन्होंने कोई हल्का सा कभी कोई प्रेस बयान तक भी कभी कभी नहीं दिया था, या कोर्ट में जाकर फरीक बनते कभी नहीं बने, उसमें दो ही फरीक थे। एक फरीक उसमें जो जज ने वहां पर जो फैसला किया उसने वही फैसला किया है जो हम चाहते थे बाबरी मस्जिद में हो, लॉ ऑफ लैंड को उसने लॉ इस्तेमाल किया, उसने उसमें वहां पर बिल्कुल ना फेथ को, उसकी जो जजमेंट है या जजमेंट की वर्डिंग्स जो, उसमें ना फेथ का इस्तेमाल किया उसने, ना अकीदे का इस्तेमाल किया है, ना उसने ये इस्तेमाल किया कि यहाँ पर मस्जिद थी, ये मस्जिद थी या नहीं थी। सिर्फ ये था उसने ये किया, ये एक फरीक गया वहां पर उसने कहा कि ये 450 साल से हमारे पास था, हमारे हमारी ये हमारा ये हमारी इमारत थी, ये वक्फ ने जो सुल्तान अहमद वक्फ ट्रस्ट है उसने कहा कि ये 450 साल तक हमारे पास ये मिल्कियत थी हमारी, और जो अतातुर्क ने जो है हमें से हमसे हम हमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने हमसे छीन ली है, हमें ये अपनी हमें हमें वापस दे दिया जाए, उसने उसी पर बहस करके उनको फिर उनको उनको वो वापस दे दिया। अगर उसमें हो सकता शायद अगर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उसमें एप्लीकेशन दायर की होती या उसमें वो फरीक बना होता तो हो सकता शायद उसका जजमेंट या उसकी जो है कुछ डिफरेंट होता, या उसमें कुछ एक और कानूनी पेज होता उसमें, अदरवाइज उसमें फरीक दो ही थे, या तो वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को वापस मिलनी थी या तो वो मिनिस्ट्री या तो वक्फ को वापस मिलना था। तो ये पूरा मसला है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार गिलानी साहब।